Shiva from Suraj School, PGT Chemistry. आज ionization enthalpy के factors discuss करूँगी. तो आज हमने आपका ionization enthalpy क्या होता है ये पढ़ा दिया था, और इसका shortcut atomic size क्या ionization enthalpy inversely proportional होता है ये बता दिया था. लेकिन आज हम इसका complete description लेंगे कि कैसे ये groups में decrease होता है और कैसे ये period में increase होता है. तो सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक साइज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, थर्ड वन विल बी न्यूक्लियर पावर, एंड फोर्थ इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस, स्टेबल. हमने आपको वेरी फर्स्ट डे ये डिस्कस करवा दिया था कि ग्रुप्स में एटॉमिक साइज बढ़ेगा या घटेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा या घटेगा, न्यूक्लियर पावर क्या होती है. तो हमें आज कंप्लीट इलैबोरेशन देना है स्टेबल कॉन्फिगरेशन का. बट सबसे पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी एटॉमिक साइज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा देख लेते हैं. तो यहाँ पर आपको मेन कॉन्सेप्ट यही अप्लाई करना है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का डिस्टेंस बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना, रिमूव करवाना फ्रॉम द एटम इजी है. एंड रिगार्डिंग टू दैट जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एटम को देनी पड़ रही है वो हमारी कम होगी. तो हमें स्टूडेंट्स होप सो ये पॉइंट समझ में आ रहा है. साइज अगर लार्ज है, अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर कम है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी है. और इसी बेस पर हम ये बात एनालाइज करेंगे, एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगा. सेम लॉजिक हमने आपको एनालाइज करवाया था, स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका दोस्त है, एटॉमिक साइज का. स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से भी साइज बढ़ता है, और अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से साइज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली साइज बढ़ने की वजह से ये भी आयनाइजेशन एंथैल्पी को कम करेगा. बट न्यूक्लियर पावर अट्रैक्शन पावर थी जो कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से रोकेगी. तो यहाँ पे हम होप सो ये पॉइंट एनालाइज कर पा रहे हैं, न्यूक्लियर पावर इंक्रीज अट्रैक्शन पावर ऑन बैलेंस इलेक्ट्रॉन विल ऑल्सो इंक्रीज, एंड वेन अट्रैक्शन पावर विल बी इंक्रीज द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल बी डिफिकल्ट. और अगर इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड दैट मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी वो हो जाएगी ज़्यादा. तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये तीन फैक्टर समझ आ गए होंगे. अब लास्ट फैक्टर जो मैंने बोला था हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हमारा स्टेबल कॉन्फिगरेशन है. तो रिलेटेड टू दैट स्टूडेंट्स होप सो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता क्या है. तो स्टेबल कॉन्फिगरेशन हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड जो ऑर्बिटल्स आधे भरे हुए होते हैं, हाफ फील्ड होते हैं, या जो फुल्ली फील्ड होते हैं पूरे भरे हुए होते हैं उनको बोला जाएगा स्टेबल कॉन्फिगरेशन. और किसी भी एटम में अगर इस तरह की कॉन्फिगरेशन देखी जा रही है तो वो रिस्पेक्टिवली अपने नेबरिंग एलिमेंट से ज़्यादा स्टेबल होंगे, और अगर वो ज़्यादा स्टेबल होंगे तो उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा हो जाएगी. तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा, बट डिटेल इसकी अब डिस्कस करेंगे, आप जल्दी से इसको नोट करें. अब हम कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लेंगे स्टेबल कॉन्फिगरेशन का किसी एक एग्जांपल के थ्रू. तो फर्स्टली मैं आपको स्टेबल कॉन्फिगरेशन क्या होता है ये बताती हूँ एक एग्जांपल के थ्रू. लेट वी आर टेकिंग फास्फोरस एंड सल्फर. फर्स्टली राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 15, 1s2,
2s2 2p6 3s2 3p3। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, यू नो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कुछ इस तरह से शो होगा। और 16 एटॉमिक नंबर होता है सल्फर का, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब रिगार्डिंग टू हुंस रूल, इनका ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे और ऑर्बिटल में सीक्वेंशियल ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए या गेन करने के लिए हम हमेशा वैलेंस सबशेल का ही यूज़ करते हैं, तो हम केवल वैलेंस सबशेल का ही ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने जब वैलेंस सबशेल का ऑर्बिटल ड्रॉ किया स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं इसको अकॉर्डिंग टू हुंस रूल जब मैंने फिल किया तो कुछ इस तरह का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुआ। वाइल इन केस ऑफ सल्फर अगर आपने अकॉर्डिंग टू हुंस रूल इलेक्ट्रॉन फिल किया तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुआ। तो यहाँ पे एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है और इसी कॉन्फिगरेशन को बोला जाएगा स्टूडेंट्स हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन, जबकि इसके कंपैरिजन में ये यहाँ कंप्लीटली फिल्ड है। और अगर इस ऑर्बिटल में कंप्लीटली फिल्ड है तो इसके कंपैरिजन में हम इसको कोई फील्ड नहीं बोलेंगे, ना ही हम इसको फुल्ली फील्ड बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये पैरा मैग्नेटिक है, और ना ही हम इसको हाफ फील्ड बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ ये सिर्फ एक ऑर्बिटल में कम्प्लीटली फील्ड है। तो इस तरह की कॉन्फिगरेशन हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ये कोई फील्ड नहीं कहलाएगा, ना ही ये स्टेबल कॉन्फिगरेशन कहलाएगी और ना ही ये हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड कैटेगरी में आती है। तो अब अगर मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ऑब्वियसली मैं इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूँगी, और अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो आफ्टर रिमूविंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इट विल रिसीव हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन आफ्टर द रिमूविंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, मींस ये अगर जस्ट एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देती है तो ये अपने आप को स्टेबल कर देगी आफ्टर द रिमूविंग ऑफ जस्ट वन इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियस इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालना इसके लिए ईजी होगा, और अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालने से ये स्टेबल कॉन्फिगरेशन रिसीव कर लेती है तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगी, और यहाँ पर ऑब्वियस जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी वो कैसी हो जाएगी, लेस। स्टूडेंट्स वो एनर्जी कैसी हो जाएगी, कम। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान था, क्यों आसान था, क्योंकि जस्ट एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होते ही ये स्टेबल कॉन्फिगरेशन शो कर लेगी। तो अगर यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल के स्टेबल कॉन्फिगरेशन शो कर लेगी तो ऑब्वियस कोई भी एटम एलिमेंट रिएक्टिव होता है, वो चाहता है मैं स्टेबल कॉन्फिगरेशन को रिसीव कर लूँ। तो अपने स्टेबल कॉन्फिगरेशन को रिसीव करने के लिए इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे ये ऑलरेडी स्टेबल है और ये स्टेबल कॉन्फिगरेशन होने की वजह से फर्दर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल नहीं करेगी, और अगर ये फर्दर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल नहीं करेगी तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई, क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ईजिली नहीं निकलेगा, इस स्टेबल कॉन्फिगरेशन को तोड़कर ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, तो इस स्टेबल कॉन्फिगरेशन को तोड़ना इजी नहीं है, हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन को तोड़ना इजी नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमारा फास्फोरस 15 एटॉमिक नंबर था जिसकी वजह से मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाया, और आपने देखा ये 16 एटॉमिक नंबर का सल्फर था, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैंने बनाया, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ने तुरंत बता दिया कि 15 मींस फास्फोरस हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी शो कर रहा है सल्फर के कंपैरिजन में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक पॉइंट और आपसे एनालाइज करेंगे, अगर मैं इस डाटा को रिकंसीडर करूँ तो ये फास्फोरस से सल्फर जाने पर हमने क्या कंसीडर किया है, पीरियड।
और मैंने फर्स्ट वीडियो में या सेकंड वीडियो में आपको ये पॉइंट बताया था, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटता है और साइज घटने की वजह से हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए। लेकिन मैंने साथ ही ये भी बात बोल दी थी ऐसा जनरली होता है। तो स्टूडेंट्स आप ये पॉइंट देख सकते हैं,